हेलो सो यून, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कैसे बात कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट से अगर कोई भी आप चीज़ मंगाएं फॉर पेज की हैं जो कि आपको डिफेक्ट ही निकल गया, या कोई भी चीज़ आपको छोटा या बड़ा निकल गया, अगर कोई भी आप ऑर्डर करते हैं कोई भी चीज़ मंगाते हैं तो आपको छोटा या बड़ा पड़ेगा, तो उसे रिटर्न करने के लिए या कस्टमर केयर से कैसे बात करें या उसे सोल्यूशन कैसे लें, तो आप आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे कस्टमर केयर से बात करें। तो आज मैं पूरा डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक आप देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा, प्रोसेस बाई प्रोसेस। आप आधा अधूरा वीडियो को ना देखें ना तो आपको समझ में ना आएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अभी तक हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में नोटिफिकेशन को आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन, अगर कोई भी आपको जानकारी देना होगा मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, इसका मैं आपको मिनटों में रिप्लाई दूंगा। तो चलिए चलते हैं फ्लिपकार्ट पर। तो आपको एक फ्लिपकार्ट डाउनलोडिंग कर लेना है या ना तो आप क्रोम में वहाँ से डायरेक्ट आप फ्लिपकार्ट में जा सकते हैं। तो चलिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोडिंग कर चुका हूँ तो मैं फ्लिपकार्ट को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिख जाता है। तो आप अगर कोई भी अगर चीज़ आप मंगाते हैं ऑर्डर करते हैं तो अगर आपको खराबी डिफेक्टिव निकल जाती है या मतलब कोई भी चीज़ पहनने वाला चाहे कोई भी चीज़ आप मंगाते हैं तो छोटा बड़ा हो जाती है, तो इसे आप कस्टमर केयर से कैसे बात करें, तो इसे रिटर्न कैसे करें या दूसरे इसके बदले में मैं दूसरा कैसे लूँ बड़ा, तो इसके लिए मैं जैसे मैं इसे ऑर्डर किया, ठीक है, जैसे 52 पीस हम ऑर्डर कर लेते हैं। ऑर्डर करने के बाद इसको मैं रिप्लेसमेंट करना है या छोटा पड़ गया तो इसे हम कैसे रिफंड या पैसा अपने अकाउंट में ले सकते हैं या इसे मतलब इसे हम दूसरा मंगा सकते हैं, इसके लिए मैं आपको कस्टमर केयर का नंबर बताता हूँ। तो इसके लिए आपको चल जाना है कॉन्टेक्ट नंबर में जो कि अपने, तो चलिए कॉन्टेक्ट नंबर में मैं आ गया। तो मैंने अपने कॉन्टेक्ट नंबर में आ गया और मैं फ्लिपकार्ट का आपको नंबर बताता हूँ 800208988। ये आपको इतना नंबर आपको फ्लिपकार्ट का जो कि नंबर है, ठीक है, इसे आपको इससे कॉल करना है। आपको जो भी इससे आपको रिलेटेड हो कन्फ्यूजन हो आप इनसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लाइव आपको प्रूफ दिखाता हूँ। तो जो कि मेरे में अभी रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज की वजह से मेरे कॉल लग नहीं पा रही है, ठीक है, तो मैं दूसरे नंबर से आपको करके आप कहिएगा तो मैं आपको प्रूफ कराकर दिखा दूंगा। तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे इसी नंबर से आप देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर नंबर दिखा देता हूँ, आप इस नंबर पर कॉल करके अगर कोई भी इससे सुझाव कोई भी रिलेटेड आपको हो तो आप इससे बात कर सकते हैं कस्टमर केयर से और अपना जानकारी दे सकते हैं। अगर कोई भी आपको मतलब अगर कोई त्रुटि हो तो आप इसे बता सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको फ्लिपकार्ट पर हर सुविधाएं मिल जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ है। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका आपको रिप्लाई मिनटों में दूंगा ताकि आपको हर सुविधा मतलब हर आपको मतलब कन्फ्यूजन से मैं आपको बताऊँ। तो चलिए आप अच्छी तरह से वीडियो समझ गए होंगे। अभी तक हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी रिलेटेड आपको जानकारी देना मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।